अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बना रही हूँ पाए। और सुबह का टाइम है तो मैंने बस जल्दी से चाय बना ली और पाए चढ़ा दिए, क्योंकि पाए जो गलने में टाइम लगता है आपको तो पता ही है। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं बना रही हूँ, तो बस दही ऐड कर दे रही हूँ, बन जाएगा। और जल्दी जल्दी इसलिए भी बना रही हूँ ना कि फिर ये लेके भी जाएंगे अपने दोस्तों के लिए। मैं बस थोड़ा सा अपने लिए बचा लूँगी और इनके लिए, बाकी अपने फ्रेंड्स के लिए ले जाएंगे, क्योंकि उनके फ्रेंड्स को भी पाए बहुत पसंद है और उनकी डिमांड भी थी कि यार कभी पाए भी खिलवा दो घर के हाथ के। तो बस मैंने कहा क्यों नहीं, तो था घर में, तो बस मैंने सोचा आज ही बना देती हूँ। और फ्री भी थी, ज़्यादा कुछ काम नहीं था, तो बस मैंने चढ़ा दिया कि चलो होता रहेगा। और फिर हम लोगों का कल ही प्लान बन गया था बाहर आज जाने का। वैसे भी मैं जब जब बाहर जाती हूँ मैं तभी ब्लॉग बनाती हूँ, मैं डेली ब्लॉग नहीं शूट करती हूँ। तो बस आज हमारा प्लान था, तो हमने खाना वाना खा लिया, बस अब हम लोग निकल रहे हैं। और यूसुफ देखिए बार बार मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मम्मी क्यों नहीं आ रही है। मैं कह रही जाओ तुम जाओ, बाय बाय बाय। वो कह रहा नहीं मम्मी आओ मम्मी आओ। तो फिर मैं आ गई और हम लोग जा रहे हैं बाहर मार्केट की तरफ। तो आज मैं लेने वाली हूँ तोफैल जी की पसंद से अबाया, ये बुरखा नकाब जो मर्जी बोल दीजिए। तो वैसे तो मेरे पास जितने भी है ना सब तोफैल जी के मतलब ही लाए हुए हैं, सऊदी के सारे ही। मैंने जो है वहाँ इंडिया में एक ही ख़रीदा था जामा मस्जिद से जब मेरी शादी हुई थी। उसके बाद जितने भी है मेरे पास वो सब तोफैल जी लेकर आए थे यहीं सऊदी से। तो जो मैं पहनती भी हूँ वो भी, और जो मैंने मतलब नहीं भी लेकर आई हूँ यहाँ वो भी। तो फाइनली मैं यहाँ आ गई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे अच्छे बुरखे थे ना, माशाल्लाह इतने खूबसूरत खूबसूरत। जिस तरह फ्रेंड्स हीरो की खान होती है ना, उसी तरीके से यहाँ पर बुरखे की खान थी। सीरियसली मतलब इतनी वैरायटी थी, इतने सारे डिज़ाइन थे, मतलब इतना सारा कलेक्शन था ना कि आप पूरा दिन क्या महीनों लगा दोगे तब भी शायद ये कंप्लीट नहीं होगा। इतना ज़्यादा डिज़ाइन था हर साइज़ में, गर्ल्स के लिए, मैरिड के लिए, जो एज होती हैं वुमेंस उनके लिए। तो और इतने खूबसूरत खूबसूरत ये देखे हिजाब भी थे ना लेटेस्ट, इतने प्यारे प्यारे कलर के, इतने अच्छे लग रहे थे। नेहा को इस तरह के बहुत पसंद है, मेरी सिस्टर नेहा को। इंशाल्लाह मैं उसके लिए लूँगी, पर अभी नहीं, बाद में आऊँगी एंड में तब मैं लूँगी। और इतना ज़्यादा मतलब पीस था ना कि अब थक जाओगे लेकिन ख़त्म नहीं होगा। मैंने चार पास ट्राई किया, ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया मुझे, तो मेरा तो इस पर दिल अटक गया। लेकिन तो फैल जी को नहीं पसंद आया क्योंकि बिल्कुल प्लेन था और इसमें कुछ भी काम नहीं था, सिर्फ ये कपड़ा कपड़ा था, दो तीन लेयर थी इसके ऊपर, तो ये मुझे अच्छा लगा। लेकिन उन्हें नहीं पसंद आया, तो मैंने कहा ठीक है आप पसंद कीजिए मेरे लिए। तो मैंने उन्हीं की पसंद से लिया है और वो मुझे भी पसंद आया। मुझे भी हैंडवर्क में चाहिए था थोड़ा मोती वगैरह टाइप का, तो मैंने उसी में लिया है। और मैं अब घर आ चुकी हूँ और मैंने मछली चढ़ा दी है। मैं घर से निकलने से पहले ना मछली फ्रिज से निकाल के गई थी, क्योंकि मुझे पता था कि ये ना फिर मैं आऊँगी निकालूंगी तो फिर पिघलेगी, फिर बनानी पड़ेगी, टाइम लगेगा। और फिर जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ख़त्म हो गया था, शुक्र है फ्रिश बन गई। और मैं जल्दी से फिर मैंने ना ये छील छाल किया ताकि मैं पीस लूँ, क्योंकि फिर है ना कल कुछ बनाना होगा तो दिक्कत हो जाएगी। और ये देखे जब तक मैं काम कर रही थी ना मेरे बेटे ने ये हल किया है रूम का, माशाल्लाह क्या फैलाया है, क्या सजावट की है मेरे बच्चे ने। तो बदमाश इतना हो गया ना ये, किटम ट्रक करता रहता है। देखिए कितनी बदमाशी, जब मूड होता है ना इसका तो बहुत अच्छे से खेलता है, नहीं तो इतना सीधा साधा बन जाता है ना, बहुत मस्ती करता है। और ये देखिए मैंने जिंजर और गार्लिक को भी मतलब मैं अच्छे से ग्राइंड कर लिया, और उसके बाद मैं इसी तरीके से इसमें रख के फ्रिज में रख दूंगी एक हफ्ते का। चलो मेरा हो गया काम, निकल गया मेरा एक हफ्ते का। उसके बाद तो फैल जी मेरे लिए ये कुछ खाने पीने की चीज़ें ले आए, जैसे कि चिकन है, एक मटन सीख है और रेड ग्रिल चिली है, यानी मिर्ची जो भी बोलिए, तो ग्रिल की हुई है। तो मिर्ची बहुत टेस्टी थी और बहुत स्पाइसी भी थी, तो अच्छी लगी मुझे। उसके साथ में मैंने था पत्ता था सारे टाइप का, यही था असल में। तो फैल जी मेरा बुरखा लेकर आए क्योंकि मैंने नाप पे ना वहाँ पे दे दिया था, फिर उन्होंने कहा था एक दो घंटे के बाद ले जाना या फिर मगरिब के बाद आना तो ले जाना। तो बस वो गए फिर लेकर आ गए जल्दी से फटाफट से। तो बस देखिए माशाल्लाह मेरा आ गया है, मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ। हालांकि उन्होंने कहा था बस वहाँ पे वेट कर लो तो भी दे देंगे, लेकिन नहीं हम वेट नहीं कर सकते थे, फिर इन्हें वापस जाना था जॉब पे, इसीलिए। ये देखे माशाल्लाह तो फैल जी और मेरी पसंद का ये, और हाथ का काम है इसमें,
काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। इस तरह का मेरे पास है भी नहीं, तो मुझे पसंद आया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आई होप आपको भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरीके से नीचे पूरे घेर में इस तरह से दिया हुआ प्लेट्स बिल्कुल बर्फ़ी टाइप की अच्छी लगी मुझे, काफ़ी पसंद आया मुझे भी। और माशाल्लाह एक चीज़ वहाँ सबसे अच्छी थी, सारे एक ही प्राइस के थे। मतलब ऐसा कोई इशू नहीं था कि हाँ एक कम है तो ज़्यादा, आप कोई सा भी पीस ले लो सबका मतलब फिक्स है 200 रियाल 200 रियाल। और माशाल्लाह पीछे भी काम है आगे भी काम है, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। और इंस्टा के पेज पे भी मैं अक्सर इसी तरह के डिज़ाइन देखती हूँ, और मैंने तो कितने सारे वहाँ पे डिज़ाइन देखे मैचिंग, जो मैं अक्सर इंस्टाग्राम पर देखती रहती हूँ, तो मुझे तो बहुत ही पसंद आया। बहुत लेटेस्ट लेटेस्ट डिज़ाइन थे। और मुझे यहाँ इसके साथ 2 हिजाब मिले हैं, और एक बिल्कुल प्लेन है और एक पे इस तरह का डिज़ाइन है माशाल्लाह, तो मुझे अच्छा लगा दोनों में। प्लेन पहनना चाहूँ तो प्लेन भी हो सकता है, डिज़ाइन वाला तो डिज़ाइन वाला भी, तो बॉर्डर है बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा माशाल्लाह। तो फिर मैंने सोचा आपको बुके ही दिखा देती हूँ, फिर मैं आपको और जो मेरे दो हैं वो भी दिखाई देती हूँ। वैसे अगर मैं काश पूरे दिखा पाती आपको अगर इंडिया में होती तो, लेकिन चलिए जो है वही दिखा देती हूँ। ये भी तुफैल जी ने बताया कि उसी शॉप से उन्होंने लिया था जिससे मैंने आज शॉपिंग की है माशाल्लाह। और बहुत ही प्यारा ये भी बुरखा है, मेरा फेवरेट। इसमें पॉकेट बनी हुई है और बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने ना फिटिंग है ना जामा मस्जिद से कराई थी, क्योंकि ये जब लेकर आए थे ना काफ़ी बड़ा साइज़ था, लूज था, फिर मैंने जामा मस्जिद गई, वहाँ मैंने फ़िटिंग कराया अच्छे तरीके से। और यहाँ वहीं से मैंने ये कुछ हिजाब भी लिए थे, ये मेरे सारे जामा मस्जिद के हिजाब है माशाल्लाह, और बहुत पसंद भी है। लेकिन ये ना मुझे ना ज़्यादा ना जो रेड कलर होते पिंक कलर होते इस तरह के हिजाब मुझे नहीं पसंद, मुझे ब्लैक नकाब के ऊपर लाइट ही, जैसे ब्लैक ब्राउन ग्रे इसी तरह के कलर्स पसंद है मुझे, ज़्यादा हैवी रंग मुझे नहीं पसंद है। और ये मेरा बहुत ही पसंदीदा बुरखा है, और ये इसे मैं सबसे ज़्यादा मैंने यूज़ किया है, मोस्ट फेवरेट है ये मेरा, और मुझ पर बहुत ज़्यादा सूट भी करता है, अच्छा भी लगता है मुझे, तो एकदम मेरी मतलब फिटिंग का है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। घेर इतना ज़्यादा ना मुझे बड़ा पसंद है। ये भी तो फैल जी लेकर आए थे माशाल्लाह, मतलब सारे बुरखे वही लेकर आए हैं, बहुत अच्छे बुरखे लाते हैं वो। मेरे फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आई होप आपको मेरा आज का भी ब्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।